हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आज मैं ई टाइम्स के साथ व्हाट्स इन माय बैग साइमेंट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या है। मेरे पास ये है क्योंकि मेरा कभी कभी टच अप खराब हो जाता है, तो मैं इसके लिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे इच्छुक थे। एंड लिप्स का कलर भी लेके आई हूँ क्योंकि पल पल पे वो मेरे बाप इतनी गंदी तो निकलता रहता है। और फिर मेरे पास है एक और मोबाइल जिसमें मैं कभी कभी मेरा फ़ोन चलते चलते बंद हो जाता है, तो इसके लिए मैंने एक और फ़ोन रखा हुआ है। और फिर है मेरे पास सब कुछ, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रखती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे को कभी भी कहीं भी निकलना होता है तो उससे पहले मैं सारी चीज़ें रेडी रखती हूँ। कभी भी मुझे ट्रैवल करना पड़े तो मेरे पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, ये सब मेरे पास रहता है। तो और मेरे पास है लिप्स का एक और कलर, और फिर मेरे पास है एक टचअप का ऐसे, और फिर है मेरे पास एक फाउंडेशन जिससे मैं अपना मेकअप ठीक कर सकती हूँ कभी भी, जो भी बहुत थे तो मेरे को पता नहीं था। और फिर मेरे पास एक रिफैब्रिक रिंग है और मैं उसको हमेशा रखती हूँ। तो बस ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। और ये मेरा बैग है जिसको कभी भी मैं अपने ब्लैक ड्रेस के साथ में कैरी करती हूँ कभी भी। एक तो मेरा बैग जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ। और तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लिप्स का भी कलर रख लेती हूँ और कुछ भी नहीं ज़रूरत है क्योंकि मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ ज़्यादातर, मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। या आज भी जितना भी है वो इसलिए टचअप करने के लिए, मेरे बहुत सारे वो भी मेरे को अकॉर्डिंग टू ड्रेसअप, बट मैं ज़्यादातर कैरी करती हूँ जो मेरे हैंड्स में हो जाए जिससे मुझे बार बार ऐसे टांगना ना पड़े। तो ज़्यादातर पार्टी वियर के लिए मुझे हैंड में चाहिए। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ऐसे कभी अपना बैग ओपन नहीं किया है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला कि ये बैग का करते हैं। तो मैंने कहा बैग में क्या क्या होगा, तो मेरे पर्स वगैरह निकल आया।